अनु जी, बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में हमने काफ़ी समय से गिरावट ही देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली के बाद ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतें लगातार गिरावट दिखा रही हैं। सुबह को हमने ग्वार गम को 10,900 के लेवल पर ही ट्रेड होते हुए देखा है और अब देख रहे हैं कि 11,000 के ऊपर थोड़ा अब कुछ सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम यहाँ से तेज हो जाएगा या फिर एक बार फिर से जो गिरावट है वो गहराएगी? ग्वार गम में ट्रेंड थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर हो सकती है, मार्केट इस टाइम सपोर्ट लेवल पर है और हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग से लोअर लेवल से रिकवर भी हुआ है। तो हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी, हमें लगता है कि ग्वार के अंदर आपको 6,200-6,300 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। डिमांड हालांकि अच्छी खासी है और जो सप्लाई है वो भी कम है, तो फिजिकल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर मार्केट में 200-300 रुपए की तेजी ग्वार में और देखने को मिल सकती है। जी अनु जी, ग्वार सीड में क्या लेवल्स रहेंगे? ग्वार सीड में आपको क्या लगता है, क्या ग्वार सीड भी उठता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, ग्वार के ही हम लग रहा है कि ऊपर में आपको भाव करीबन 6,200-6,300 तक के लेवल दिखा सकती है, तो यहाँ पर अभी हम 200-300 रुपए की तेजी और मान के चल रहे हैं कि आ सकती है। जी,